आज का टॉपिक है पार्शियली बॉन्डेड रेस्टोरेशंस। अर्लियर गेटिंग अ रेस्टोरेशंस और अ क्राउन वुड मीन ग्राइंडिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर्स। नाउ दिस वुड नॉट इन्वॉल्व अ डिकेड स्ट्रक्चर बट ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ अ हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर्स। एक क्राउन को लगाने के लिए पूरा दांत घिसना पड़ता था और बहुत सारा हेल्दी दांत खराब हो सकता था। अब एडवांसमेंट आने के बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग सीमेंट्स हैं जो फिक्स कर सकते हैं पार्शली रेस्टोरेशंस, जो मिनिमली प्रिपरेशन होते हैं, और आपका जो नेचुरल दांत है ना वो रिटेन हो सकता है ना, शानदार चीज़। अब कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं जब हम अब उसको रोकते हैं कि जो हेल्दी दांत का मटेरियल है वो कम से कम कटे और हमारा जो रेस्टोरेशंस मार्जिनस है ना वो सुपरा जिंजावल ही रहे, ज़्यादा दांत नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट रेस्टोरेशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? जब हम ट्रीट करते हैं सिवियरली इंजर्ड टूथ ना, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि जो रिटेंशन है उसका जो कॉन्टोर है वो बना रहे और उसकी जो मजबूती है वो भी बनी रहे। अब रेस्टोरेशन प्रोसीजर्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन टूथ स्टेबिलिटी, लॉस इन फ्रैक्चर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन द डाइवर्जन ऑफ वीक कस्प्स। इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग टू यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसीजर सिंस दे मस्ट टेक इन टू अकाउंट बायोमैकेनिक्स, ध्यान में रखना है एनाटमी, फंक्शन, एस्थेटिक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। याद रखना, कोई भी दांत जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके बायोमैकेनिक्स, उसकी एनाटमी ध्यान में रखते हो, उसके फंक्शन, उसके एस्थेटिक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब रिसेंटली क्या है, इनडायरेक्ट पार्शियल कवरेज रेस्टोरेशन मटीरियल जैसे हो गया वीनियर्स, नॉन प्रेप वीनियर्स, ल्यूमिनर्स, वी ऑनले, इनलेज, ऑनले, ओवरले, टेबल टॉप, एंडोक्राउन्स, इतने पॉपुलर हो चुके हैं ना, आपका दांतों की इंटीग्रिटी भी बच जाती है, रिपेयरेबल भी ईजी है और आप करेक्ट कर सकते हैं, जो फंक्शनली और इम्प्रूव रिजल्ट्स है ना बहुत शानदार है।